हेलो फ्रेंड्स, क्रिकेट फैंटेसी मैच प्रेमी में आप सभी का स्वागत है। आज बात करने वाले हम रॉयल चैलेंजर बैंगलोर वर्सेस चेन्नई सुपर किंग के बीच में होने वाले मैच के बारे में। तो इस मैच प्रेमी में हम देखने वाले हैं पिच रिपोर्ट, वेन्यू रिकॉर्ड, प्लेइंग 11, प्लेयर रिसेंट फॉर्म, प्लेयर बैटल और टॉप कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी पिक, प्लस जीएल के लिए ग्रैंड लीग पिक भी देखने वाले, डिफरेंशियल और डेमो टीम भी बताने वाले आखिर में। तो लाइव आखिर तक वीडियो देखना, नहीं तो कोई स्टैट मिस हो सकते हैं आपसे। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, चैनल को सपोर्ट करना भाई। चलो चले शुरू करते हैं। तो मैच होने वाला है शाम के 7:30 बजे चिन्ना स्वामी स्टेडियम पे मैच होने वाला है ये। तो 7 बजे टॉस के बाद जो भी कुछ अपडेट होता है, जो लाइन आउट होता है, इम्पैक्ट प्लेयर, जो भी किसी न्यू प्लेयर आता है उसके स्टैट सब मैं वही शेयर करता हूँ। तो वीडियो को आखिर तक देखना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। प्लस इस ब्लॉग का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, तो आप यहाँ पे आके सब प्लेयर के स्टैट चेक कर सकते हो और नोट्स भी बना सकते हो। तो पिच की बात करें तो पिच चिन्ना स्वामी की पिच ऐसी होती है, स्टार्टिंग पावर प्ले में स्पेस बॉलर को यहाँ पे अच्छी खासी मदद मिलती है, तो यहाँ पे विकेट मिलने के चांसेस है पावर प्ले में। नहीं तो फिर बाद में अच्छी मार पड़ती है पेस बॉलर को, और स्पिनर को यहाँ पे अच्छी खासी मदद मिलती हुई दिख सकती है। और जहाँ तक मुझे लगता है, आज का मेरा प्रिडिक्शन है कि विराट कोहली और फैब ये दोनों में से किसी एक को ड्रॉप कर सकते हो ग्रैंड लीग में आप, क्योंकि धोनी भाई स्पिनर को ही पावर प्ले में ओवर करने देने वाला है, क्योंकि फैब और कोहली का भी रिकॉर्ड उतना खास नहीं है स्पिनर क्या कहते हैं रिसेंट में। तो मुझे लगता है कि स्पिनर ही विकेट लेने वाला है। मोइन अली बॉलिंग करते हुए दिख सकता है, जडेजा, सैंटनर और टिक्शाना भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। देख के कौन कौन खिलाने वाला है, टॉस के बाद पता चलेगा अपने को। तो ये मेरा प्रिडिक्शन है, कोहली या फिर फैब दोनों में से कोई ना कोई एक फेल हो सकता है कल के मैच में। तो चलिए बात करते हैं वेन्यू रिकॉर्ड की बात है। 118 मैच हुए हैं यहाँ पे अभी तक, तो उसमें से 53 मैचेस बैट फर्स्ट करने वाली टीम ने जीती है और बैट सेकंड करने वाली ने 63 जीते और 2 मैच टाई रही है। तो ये चेसिंग ग्राउंड है, कितना भी दो अभी रिसेंट में 2 मैच आरसीबी ने यहाँ खेले हैं और 1 मैच इन्होंने हारा है और 1 जीता है। दोनों हाई स्कोरिंग मैच थे। एवरेज स्कोर की बात करूँ यहाँ पे तो 165 है। स्कोरिंग पैटर्न की बात करूँ तो बिलो 150 36 बार बना है, बिटवीन 150 से 169 के 31 बार बना है, 170 टू 189 20 बार बना है, 23 बार बना है और 190 अपर 28 बार बना है। तो हाई स्कोरिंग वेन्यू है, अच्छी खासी यहाँ पे बैट हो सकती है। पर पेस बॉलर का वही है कि स्टार्टिंग के 5 ओवर पावर प्ले में ही विकेट मिलता है, उसके बाद विकेट मिलता नहीं है और उसके बाद स्पिनर को ही अच्छी खासी मदद मिलती हुई दिख सकती है यहाँ पे। तो देखते स्टैट की बात करूँ वेन्यू पे जो टॉप प्लेयर है उनकी बात करता है। कोहली ने देखो 2,464 रन बनाए 74 मैचेस में। फैफ के 6 मैचों में 266 रन है। एमएस धोनी का 10 मैचों में 463 रन है। अंबाती रायडू के 10 मैच में 380 रन है। अजिंक्य रहाणे के 6 मैचों में 281 रन है 6 मैचों में। हाई स्कोर उसका 1 सेंचुरी मारा है उसने। करण शर्मा के 4 मैचों में 10 विकेट है भाई, ये इसी वेन्यू पे है। तो ये स्टैट नोट करने वाले हैं, देख लेना एक बार। उसके बाद रिसेंट मैच की बात करूँ तो देखो आरसीबी ने डीसी के साथ जीता था मैच, वहाँ पे उन्होंने डिफेंड किया था 174 और डीसी से जीत गया था वो। आरसीबी एलएसजी के सामने हार गए थे 212 बनाकर भी, और वहाँ पे एमआई का भी मैच हुआ था आरसीबी का, वो जीत लिया था। आरसीबी ने 3 मैच खेले इसी वेन्यू पे। पेसर अभी 4 मैचों की बात करूँ सीधे सीधे बॉलिंग डिपार्टमेंट की, तो पेसर को 29 विकेट मिला है और स्पिनर को 11 विकेट मिला है। और स्टार्टिंग के ही ओवर में, मतलब फर्स्ट इनिंग में स्पिनर को विकेट मिले, सेकेंड इनिंग में ज़्यादा विकेट मिले नहीं है स्पिनर को रिसेंट मैचेस में भी। तो फर्स्ट इनिंग में अगर चेन्नई सुपर किंग अगर बॉलिंग करती है तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि फैब या कोहली में से कोई ना कोई ज़्यादा रन नहीं बना पाएगा, 20-25 रन के अलावा ज़्यादा कुछ रन बना नहीं पाएंगे मुझे ऐसा लग रहा है।
तो ये मेरा प्रिडिक्शन है, देखते हैं मैच में क्या होने वाला है। तो हेड टू हेड की बात करूँ तो 30 मैच के लिए दोनों टीमों ने 19 मैच CSK ने जीता है और RCB ने 10 मैच जीता है और एक मैच टाई रहा है। मैं हेड टू स्टार्ट की बात करूँ सीधा तो शुभम ने दो मैचों में 141 रन बनाए हैं और हाई स्कोर 95 है इसका। इस मैच में भी ग्रैंड लीग पी करेंगे शिवम दुबे, बहुत लोग ड्रॉप करेंगे पर ये ध्यान में रखना शिवम दुबे ग्रैंड लीग पी करेगा इस मैच में, अच्छा करते हुए दिख सकता है क्योंकि ध्यान ही नहीं उसकी तरफ ज़्यादा बंदों का। और ऋतुराज गायकवाड़ अच्छे फॉर्म में है, लास्ट मैच में जल्दी आउट हो गया था नहीं तो अच्छा कर रहा था। 5 मैच खेले RCB के अगेंस्ट, 181 रन बनाए हैं और 65 हाई स्कोर है। हर्षल पटेल ने CSK के 7 मैचों में 13 विकेट है। वही महेश सिक्सना की बात करो, 7 विकेट है 2 मैचों में RCB के अगेंस्ट। मैचेस में देखो ग्लैन मैक्सवेल थोड़ा ग्रैंड लीग रिसीविंग होने वाला है, इस मैच में बॉलिंग नहीं कर रहा तो मुझे नहीं लगता कि ये कुछ अच्छा कर पाएगा। अगर बॉलिंग नहीं करे तो कोई मतलब नहीं, ड्रॉप कर सकते हो ग्लैन मैक्सवेल को क्योंकि रविंद्र जडेजा ने 4 बार आउट किया 18 बॉलों में। अंबाती रायडू को देखो, हर्षल पटेल ने 3 बार किया है 16 बॉलों में। तो ये दोनों का मैचअप है। RCB का स्कोर कार्ड लास्ट ईयर का जो मैचेस हुए अभी हेड टू हेड उसका स्कोर कार्ड ही बताने वाला हूँ, जो अच्छा अच्छा खेले है वही प्लेयर के बारे में बताने वाला, जो टॉप प्लेयर है वो। तो RCB ने 173 बनाया था 8 विकेट के नुकसान पे, CSA ने 160 बना हुआ था, चेस नहीं कर पाए थे वहाँ पे। महिपर लोमदोर ने 24 किया था, फैब ने 38 किया था और 13 विराट कोहली ने किया था, 26 दिनेश कार्तिक ने किया था। तो उस मैच में हर्षल पटेल को 2 विकेट 3 विकेट, ग्लेन मैक्सवेल को 2 विकेट मिला था, विंदु हसरंग को 1 विकेट मिला था, जॉश अजरवुड को 1 विकेट और शाहबाज अहमद को 1 विकेट मिला था। तो ये ग्लेन मैक्सवेल को यहाँ पे 2 विकेट मिला था, मे बी अगर इस मैच में अगर होता है तो थोड़ा सा रिस्क हो सकता है पर मुझे नहीं लगता कि बॉलिंग करेगा, किया तो 1 से 2 ओवर ही करते हुए दिख सकता है। वही चेन्नई की तरफ से कॉनवे ने 56 किया था, मोइन अली ने 34 और 2 विकेट लिया था, ऋतुराज गायकवाड़ ने 28 किया था, महेश दीक्षा को 3 विकेट और पीटी रेस को 1 विकेट मिला था। तो अभी लेटेस्ट में दूसरे मैच की बात करते हैं, हर्षल पटेल प्लेयर ऑफ द मैच रहा था उस मैच में। दूसरे मैच में देखो CSK ने 216 किया था, 95 किया था शुभम दुबे ने, तीसरा को 4 विकेट मिला था, रविंद्र जडेजा को 3 मिला था, शहबाज अहमद ने 41 किया था, दिनेश कार्तिक ने 34 किया था, ग्लेन मैक्सवेल ने 26 किया था, विंदु हसरा का 2 विकेट मिला था, हाजरवुड को 1 विकेट मिला था। प्लेयर ऑफ द मैच शुभम दुबे रहा था। तो वही बता रहा हूँ कि अगर CSK अगर फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करती है या सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करती है तो रिस्क ले सकते हो धोनी पे, रिस्क ले सकते हो कोहली पे या फैप पे, और मैक्सवेल भी रिक्स ले सकते हो। मैक्सवेल पे थोड़ा रिक्स ज़्यादा हो जाएगा पर GL जीतना है भाई तो थोड़ा रिक्स लेना पड़ेगा। तो क्योंकि प्लेयर स्पिनर के मैचअप बहुत डेंजर है RCB के, इसलिए बोल रहा हूँ। और रिसेंट में फैप और इसको कोहली को फंसा सकते हैं स्पिनर। वही दूसरे मैच में, यहाँ पे दूसरे मैच में RCB ने 156 किया था, CSK ने चेस कर लिया था वो। तो उस मैच में कोहली ने 53 किया था, हर्षल पटेल को 2 विकेट मिला था, ग्लेन मैक्सवेल को 1 विकेट और 11 रन किया था। उसमें ऋतुराज ने 38 किया था, अंबाजी राज ने 32 किया था, फैर में 31 किया था, मोहित अली ने 23 रन किया था। तीसरे मैच की तरफ चलते भाई, शॉर्टकट फॉर्म में रविंद्र जडेजा ने 62 किया था, 3 विकेट लिया था, फैब ने 50 किया था, गायकवाड़ ने 33, मैक्सवेल ने 22, हर्षल पटेल को 3 विकेट मिला था और जडेजा को प्लेयर ऑफ द मैच रहा था। तो हर्षल पटेल का नाम आ रहा है, तीक्षणा का नाम आ रहा है, मोइन अली का भी नाम आ रहा है और फैब का ज़्यादा नाम नहीं आ रहा है। मिनिमम 50 एक ही बार 50 है 3 मैचों में इसकी फैब की, और कुछ बड़ा स्कोर नहीं है। तो इसलिए फैब और कोहली में से किसी को एक को ड्रॉप करने के रिक्स ले सकते हो भाई ग्रैंड लीग में। अभी प्लेयर मैचअप की बात करूँ तो प्लेयर मैचअप में क्लियर हो जाएगा सब। देखो फैब को मोइन अली ने 2 बार आउट किया है, तीक्षणा ने 1 बार आउट किया है। तो मोइन अली और तीक्षणा तो पावर प्ले में ही बॉल करता है, मोइन अली को भी दे सकता है 5-5, 14-5 ओवर धोनी। वही कोहली की बात करो, मोइन अली 1 बार आउट किया, जडेजा ने 1 बार आउट किया। इस वजह से बोल रहा हूँ कि दोनों पे रिस्क ले सकते हो, दोनों में से एक पे, किसी को भी फैब पे लो या कोहली को लो। कोहली को ले रहे हो तो फैब को ड्रॉप करो, हर टीम में नहीं दो टीमों में तो भी ट्राई करो ऐसा।
वही मैक्सवेल की बात करो तो ही 10-20 वाले प्लेयर है, रिस्की प्लेयर है, अगर खेल गया तो 10 बॉलों में 20-25 रन कर देगा, और बॉलिंग करता है तो इम्पोर्टेंट रहने वाला है, इसीलिए अभी मुझे लग रहा है बॉलिंग करेगा नहीं, इसलिए बॉलर ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हैं मैक्सवेल पे। अगर हर्षल पटेल की बात करूँ तो अभी तक किसी ने आउट नहीं किया हर्षल पटेल को, वही शहबाज अहमद को तीक्ष्णर ने 2 बार आउट किया, जडेजा ने अभी तक आउट नहीं किया। दिनेश कार्तिक को देखो, पीटी यूरियस ने 1 बार जडेजा को आउट किया, जडेजा ने भी 1 बार आउट किया। दिनेश कार्तिक को, कानवे को, हर्ष वस्त्रंगा ने 1 बार, शहबाज ने अभी तक आउट नहीं किया है। वही ऋतुराज गायकवाड़ को देखो, अमनदीप ने 1 बार आउट किया, शहबाज अहमद ने आउट किया है, बाकी किसी प्लेयर के सामने इसका स्ट्रगल नहीं है। तो कैप्टनसी वाइज कैप्टनसी में कोहली सेफ में, कोहली या ऋतुराज सेफ पिक में रहेगा कैप्टनसी पिक। अजिंक्य रहाणे को देखो, सिराज ने 1 बार आउट किया है, वही शहबाज अहमद ने अभी तक आउट नहीं किया। शुभम दुबे को देखो, मैक्सवेल ने 1 ही बार आउट किया है और शहबाज अहमद ने अभी तक आउट नहीं किया, और किसी भी प्लेयर के सामने स्ट्रगल नहीं है। मोइन अली को देखो, हर्षल पटेल ने 2 बार आउट किया है, सिद्धार्थ कोहली ने 1 बार आउट किया, रायडू को हर्षल पटेल ने 3 बार, मैक्सवेल ने 1 बार आउट किया है। तो वही जडेजा को देखो, जडेजा को हर्षरंगा ने 1 बार आउट किया, हर्षल पटेल ने 1 बार आउट किया, एमएस धोनी को हर्षल आउट ने 1 बार और सिराज ने अभी तक आउट नहीं किया है। तो ये था प्लेयर मैचअप। अभी प्लेइंग 11 देखेंगे आरसीबी का और रिसेंट फॉर्म देखेंगे, मेन मेन प्लेयर के बारे में बताऊंगा, बाकी कुछ नहीं। फैब के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं भाई, फैब और कोहली को मुझे लगता है अगर ज़्यादा कॉम्बिनेशन बनाते हो, 6 से 7, 5 से 6 टीम बनाते हो तो 2 टीमों में एक में रिक्स ले सकते हो, एक में कोहली को ड्रॉप करो, एक में फैब को ड्रॉप करो। वहीं पर उन्होंने जी एल पी करेंगे इसी मैच में, लास्ट में 26 किया था, बॉलिंग भी करने के चांसेस है इस मैच में अगर खेलता है तो, क्योंकि सेकंड इनिंग या फर्स्ट इनिंग कोई भी इनिंग रहो बॉलिंग करते हुए दिख सकता है, पर सेकंड इनिंग में नहीं ड्रॉप कर सकते, फर्स्ट इनिंग में चाहो तो ड्रॉप कर सकते हो उसको। मैक्सवेल भी अगर ऊपर से अगर विकेट गिर जाता है ना तो मैक्सवेल मुझे नहीं लगता ज़्यादा खेल पाएगा, क्योंकि वो हिटिंग करके खेलता है तो विकेट जल्दी दे सकता है, और स्पिनर ही लगाएंगे मैचअप के हिसाब से धोनी। उसके बाद दिनेश कार्तिक, ये जी एल ई पी करेंगे, अभी तक बैट से बॉल अच्छे से नहीं लग रहा है बंदे के। शहबाज अहमद एक जी एल पी रहने वाला है, इस मैच में अच्छा करते हुए दिख सकता है। हर्षल पटेल भी बढ़िया प्लेयर है, जी एल पी रहेगा इसमें, कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस रहेगी जी एल में। इसने अच्छा किया था, 3 विकेट लिया था इसने, विजय कुमार ने। विंदु असरंगा की बात करूँ तो भाई अच्छा बॉलर है, बैटिंग भी करते हुए दिख सकता है, और इनकेस अगर आर सी बी की बैटिंग अगर स्कोलैप होते तो बैटिंग भी आने की चांसेस है हसरंगा की। वेन पारनेल भी बैटिंग कर सकता है अच्छा, और बॉलिंग भी करता है, डेट में भी बॉल डालता है, तो इम्पोर्टेंट रहने वाला है ये भी, और रिसेंट फॉर्म भी अच्छा है। मोहम्मद सिराज भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, देखते हैं भाई। तो इम्पैक्ट प्लेयर में अनुज रावत को बुलाया था लास्ट मैच में, इस मैच में करण शर्मा के आने के चांसेस है, करण शर्मा या ब्रासवेल अगर फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करती है तो मैक्सवेल की जगह इसको ब्रासवेल को उतार सकती है आर सी बी इम्पैक्ट प्लेयर में। सुरेश प्रभु देसाई है, रिसेंट फॉर्म में इतना कुछ खास नहीं है। सोनू यादव का ठीक ठाक फॉर्म है, अगर ये खेलता है तो देख लेना भाई, स्टैट में शेयर कर दूंगा अगर खेलता है तो। बेंच पे फिनाले ने ठीक ठाक फॉर्म है, मनोज बड़ंगे इसका भी फॉर्म उतना कुछ खास नहीं दिख रहा। डेविड विली, सिद्धार्थ कोल, राजन कुमार का भी फॉर्म अच्छा है, रिसेंट 5 मैचों में इसने 7 विकेट लिया है और 2 मैचों में विकेट ले रहा है। हेजलवुड अवेलेबल नहीं है, अविनाश सिंह का कोई स्टैट नहीं है, हिमांशु शर्मा का भी नहीं है। सी एस के की प्लेइंग 11 देखेंगे और स्टैट देखेंगे। डीवन कॉन में मस्ट हैव रहेगा, ऋतुराज भी मस्ट हैव रहेगा, अजिंक्य रहाणे जी एल ई पी रहेगा भाई, क्लियर है वो अजिंक्य तो कैप्टन ही मारो इसको, अच्छा करते हुए दिख सकते हैं, एक शतक भी मारा है इसने आर सी बी अगेंस्ट। शुभन दवे डिफरेंशियल पिक रहेगा कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ग्रैंड लीग में। मोइन अली भी इम्पोर्टेंट रहेगा, बॉलिंग करते हुए दिख सकता है इसको, मैं फर्स्ट इनिंग में रहो या सेकंड इनिंग में बॉलिंग करते हुए दिख सकता है, तो सेफ कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी पिक रहेगा ये। जडेजा भी कैप्टनसी वाइस पिक रहेगा, क्योंकि बॉलिंग 4 ओवर कराएगा प्लस बैटिंग के भी चांसेस है इसके। उसके बाद धोनी जी एल में ट्राई करो, आकाश सिंह इसको भी जी एल में ट्राई करो, बंदा अच्छा बॉलर है, रिसेंट फॉर्म भी अच्छा है। डेविन पीटर्स इम्पोर्टेंट रह सकता है, क्योंकि डी एट में ओवर करता है और प्लस
विकेट मिलने के भी चांसेस है। फर्स्ट इनिंग में चाहो तो ड्रॉप कर सकते हो, पर सेकंड इनिंग में रख लेना इसको। तुषार देशपांडे बढ़िया कर रहा है भाई अभी, पर इतना खास बॉलर मुझे लगा नहीं है अभी तक। विकेट तो मिल रहा है बंदे को, उसके बाद तीक्ष्णता इम्पोर्टेंट रहेगा और प्लेयर मैचअप के हिसाब से। अभी रिसेंट 2 मैचों में फेल रहा है, पर इस एक आधे ग्रैंड लीग में मैं इसको कैप्टन मारने वाला कप्तान या वाइस कैप्टन बनाने वाला हूँ। इम्पैक्ट प्लेयर में अम्बादू रायडू है, मिचेल सैंटनर है। मिचेल सैंटनर को भी बुला सकती है टीम किसी एक को प्लेयर को ड्रॉप करके, जैसे सेकंड इनिंग में रहेंगे तो। उसके बाद शायद चौकी चौकी दे राशि देना, ये भी प्लेयर अच्छा है, लेग स्पिनर है, बढ़िया बॉल करता है राइट हैंड। वही सेनापति बढ़िया फॉर्म में, सेना शेपुरु सेनापति। उसके बाद हंगरेकर, हंगरेकर को अभी ड्रॉप किया, खिला नहीं रही टीम। बेस्टो है बेंच पर, अजय मंडल है बढ़िया फॉर्म है, अजय मंडल का खेलता है तो ध्यान रखना। दीपक चहर है अवेलेबल है कि नहीं पता नहीं, इंजर्ड है। और मगाला भी इंजर्ड है। महेश पति राणा अगर ये अवेलेबल रहेंगे तो ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है, अच्छा बॉलिंग कर रहा है वो। और वर्मा ठीक ठाक फॉर्म है, वर्मा का भी। निशांत सिद्धू है, समरजीत सिंह है, इसको अभी तक खिलाया है पर विकेट मिला नहीं है। प्रशांत सोलंकी ठीक ठाक फॉर्म है। कैप्टनसी वाइज कैप्टनसी की बात करो भाई, स्मॉल लीग में तो विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, फैफ डुप्लेसी, रविंद्र जडेजा। ग्रैंड लीग में मोइन अली को ट्राई करो, मैक्सवेल को ट्राई करो, देवेन कॉनवे, मोहम्मद सिराज। और वही डिफरेंशियल में आना है, धोनी को करो शुभम दुबे, दिनेश कार्तिक, विंदु हस्तरंगा। डेमो टीम ऐसा बनाया है मैंने, विकेट कीपिंग सेक्शन में कॉनवे को ट्राई किया, ऋतुराज, कोहली और फैफ डुप्लेसी और रहाणे को ट्राई किया है। वही ऑलराउंडर में जडेजा, मोइन अली और हसरंगा ट्राई किया है। मैक्सवेल को ड्रॉप मार दिया है, हर्षल पटेल को ट्राई किया है, तीक्ष्णा और देश पांडे। तो ये था टीम भाई डीमो का, और ये था अपना मैच प्रीव्यू। अगर टॉस के बाद मिलते हैं, टॉस के बाद जो भी कुछ अपडेट होगा तो मैं टेलीग्राम पे शेयर करने वाला हूँ, तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, प्लस इस ब्लॉग का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, तो वहाँ से आप ज्वाइन करो और नोट्स बना सकते हो, आप चेक कर सकते हो सब स्टैट। तो मिलते हैं मैच के बाद, टॉस के बाद। तो गुड लक सबको, बाय।